अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल है, उसके ऊपर कोई भी एंड्रॉयड ओएस इंस्टॉल है, आप अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल गए हैं, फेस लॉक भूल गए हैं, फिंगरप्रिंट भूल चुके हैं, इस पर गूगल आईडी जो लगाई हुई थी उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, या फिर आप अपने डिवाइस को रीसेट कर बैठे हैं और रीसेट करने के बाद आपका फ़ोन गूगल वेरीफिकेशन पर आकर स्टक हो गया है, आगे नहीं जा रहा, आपके फ़ोन पर FPR लॉक एक्टिवेट हो चुका है, या फिर आपने मार्केट से कोई सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज किया है, उसको रीसेट किया है, FPR पे चला गया है, आपसे गूगल वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इस तरह के तमाम मसाइल को, अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप सैमसंग के तमाम मॉडल्स को, एंड्रॉयड के तमाम OS वर्जन को इजीली अनलॉक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, टेन्योर शेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड। इसके जरिए आप एंड्रॉयड के तमाम पासवर्ड्स को, फिंगरप्रिंट्स को, फेस लॉक को इजीली रिमूव कर सकते हैं, अपने सैमसंग पे लगे हुए FPR लॉक को बिना पासवर्ड के इजीली अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो अपने सैमसंग की डिवाइसेस को बिना डाटा लॉस किए अनलॉक कर सकते हैं। आप विंडोज पे हैं या मैकबुक पे हैं, दोनों पे इस सॉफ्टवेयर को इजीली आप रन कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपकी डिवाइस को मिनटों में अनलॉक कर देता है। टेन्योर शेयर फॉर यू की आपके FPR को कंप्लीटली रिमूव कर देता है। FPR रिमूव करने के बाद आप अपनी डिवाइस को इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन के, और सैमसंग की तमाम डिवाइसों को, एंड्रॉयड के तमाम वर्जन को इजीली सपोर्ट करता है, यहां तक के गैलेक्सी S22 तक भी। आपके फोन पे कोई पिन लग गया है, कोई पैटर्न लग गया है, कोई पासवर्ड लग गया है, कोई फिंगरप्रिंट लग गया है, कोई फेस लॉक लग गया है, आप तमाम को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये टेन्योर शेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड हमारे सामने इंस्टॉल होकर रेडी होकर आ चुका है। तो इस सॉफ्टवेयर के दो सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में आप रिमूव कर सकते हैं अपना पासवर्ड, अपना स्क्रीन पासवर्ड इंक्लूडिंग पिन, पैटर्न, फिंगरप्रिंट वगैरह। और अगर आपका फोन FPR पर लॉक हो चुका है, गूगल वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो फिर आप जाएंगे रिमूव गूगल लॉक FPR सेक्शन के अंदर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा रिमूव गूगल लॉक FPR। ये हमारे पास एक डिवाइस है, इस पर लॉक लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये हमारा फोन रीसेट होने के बाद गूगल वेरिफिकेशन पे आके स्टक हो चुका है, हमें ID और पासवर्ड याद नहीं है। तो इस गूगल वेरिफिकेशन को, इस FPR लॉक को हम रिमूव करेंगे इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो आपने USB केबल से अपने फोन को अपने लैपटॉप PC से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है रिमूव गूगल लॉक FPR पे। इसके बाद आपने यहां से अपने एंड्रॉयड वर्जन को सिलेक्ट करना है, कौन सा वर्जन आपके फोन में इस वक्त इंस्टॉल है वो आपने यहां से चूज कर लेना है। हम 12 को चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, यहाँ पे दोबारा से कंफर्म कर रहा है कि अगर आप अपने गूगल FPR को सक्सेसफुली रिमूव करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह नोट कर लें, जान लें कि आपने जो एंड्रॉयड वर्जन चूज किया है वही आपके फोन का होना चाहिए। तो हमारी तसल्ली, हमारा यही वर्जन है। इसके बाद आपने क्लिक करना है स्टार्ट पे। यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा आपने उसको फॉलो करना है। यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है कि आपने दोबारा से वेलकम पेज पे जाना है। हम चलते हैं वापस वेलकम पेज पे। हम वेलकम पेज पे आ चुके हैं। इसके बाद आपने जाना है इमरजेंसी कॉल में और यहाँ पे अपने ये वाला कोड एंटर करना है। ये हम सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक थर्ड पेज पे आ चुके हैं। इसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, उसको आपने अलाउ कर देना है। ओके ओके ओके। अगर यहाँ पे आके आपके फ़ोन पे ये वाला पॉपअप नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, पॉपअप नोट शोइंग अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ट्राई अगेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अल्टरनेटिव मेथड, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है स्टार्ट पे और आपके फ़ोन पे व्यू का मैसेज आएगा, आपने व्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पे आपने ये वाला URL टाइप करना है। उसके बाद आपने गो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए गो टू गैलेक्सी स्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपनी किसी भी दूसरी जीमेल ID से लॉग इन कर लेना है। उसके बाद ये चंद ही सेकंड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे भी रजिस्टर करके आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ये हमने लॉगिन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने डिवाइस एडमिन को अलाउ करना है। उसके बाद आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है ऐप मैनेजर पे। इसके बाद आपने सर्च आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है सर्विस मोड। ये हमारे सामने सर्विस मोड आ चुका है, इस पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपने जाना है एक्टिविटीज में। उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने MTP+ADB पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको ऑलवेज अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका रिमूव होना शुरू हो जाएगा गूगल लॉक। और ये हमारा गूगल FPR लॉक रिमूव हो चुका है ऑलमोस्ट।
ये हमारा फोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे आपकी स्क्रीन ब्लिंक करती है तो ये नॉर्मली है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपने सैमसंग सेटअप विजिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने आ जाना है जनरल मैनेजमेंट में, इसके बाद आपने रीसेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है फैक्ट्री डाटा रीसेट, और यहाँ पे आपने अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। और यहाँ पर आपने अपना वही अकाउंट लगाना है जो आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त लगाया था। ओके पे क्लिक कर देना है और आपका फ़ोन टोटली रीसेट हो जाएगा बिना आपकी पहले वाली आईडी और पासवर्ड के। और ये हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली रीसेट हो चुका है और हमारा फ़ोन रीसेट होने जा रहा है हमारी नई आईडी और पासवर्ड के साथ। इसमें जो पहले वाली आईडी और पासवर्ड लगा हुआ था वो भी रिमूव हो जाएगा और जो सेटिंग के दौरान हमने लगाया था वो भी रिमूव हो जाएगा। आपका सेट बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे अभी ये बॉक्स से निकला है। इसका वेट करते हैं ऑन होने का। ये जी हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, रीसेट हो चुका है। अब इसको सेटअप कर लेते हैं। ये ले जी हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है, FPR लॉक रिमूव हो चुका है, गूगल वेरिफिकेशन बाईपास हो चुका है। इस तरीके से अगर आप अपने किसी भी सैमसंग फ़ोन का पासवर्ड भूल चुके हैं, उसको रीसेट कर बैठे हैं, गूगल अकाउंट पे आके स्टक हो चुके हैं, आपने कोई सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है उस पर गूगल FPR लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अब आप जैसे मर्जी अपने फ़ोन को यूज़ करें, जैसी मर्जी आप नई आईडी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें ईजिली लगा के इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है टेन्योर शेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, शॉपकीपर हैं, आपका मोबाइल का ढेर सारा काम है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। नो डाउट ये एक पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे फॉर अ मंथ आपको मिलता है ओनली ऑन $35 का, वन ईयर के लिए $40 का, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलता है ओनली ऑन $50 का। बहुत ही ज़बरदस्त यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लाइफ टाइम काम आने वाला सॉफ्टवेयर है टेन्योर शेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपनी किसी भी सैमसंग की डिवाइस को, किसी भी एंड्रॉयड वर्जन को, हर तरह की स्कूटी को इजीली अनलॉक कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।